ऐसा था क्या सुना, एक लेडीज की ना मतलब परीक्षा जाती थी, पर हम लोग तीनों के सिवा कोई नहीं था। वैसा एक लेडीज बैठी थी, वैसा पूछे ना तो वो पूरे आलू पूरे फूल मिल के बैठी थी, और कुछ तो था वो रिंगल था ट्राइंगल टाइप में, उसमें वो बनाया था। और उसके अंदर एक ऐसी चीज थी कि वो भावली में पिन पिन मारे थे। अच्छा। और लिटरली ना वो बाद में ना हम लोग जैसा पीछे घूमे ना तो नारियल ऐसा गोल गोल घूम के घूमते फूट गया। और जो चार राउंड तुम इधर भी घूमे मतलब छपवा लग गया था। कब कितना टाइम तक था तुम्हारे साथ? डेढ़ बजे से लेकर ढाई बजे तक का, मेरे को एक घंटा वही जगह पे। तुम अकेले थे? नहीं मेरे साथ मेरा उसमें घूमते 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 घूम गए। तो हम लोग थोड़ी एक जगह पे रुके रुके तो थोड़ा ना बैठे गाड़ी पे 20-30 स्पीड में चल रहे थे स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो वो एक लेडीज दिखती जा रही, बोलिया नहीं दिख रहा, सिर्फ शैडो शैडो दिख रहा है। और जैसा थोड़ा आगे गए ना तो फिर पूरा व्हाइट साड़ी थी। ओके okay. तो आज का वीडियो कुछ हॉन्टेड होने वाला है, मतलब एक छोटा सा नॉर्मल एक पॉडकास्ट के जैसा। जैसे कि अभी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे, तो हमारे साथ में है फुगा, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा रहेगा उसको होली वाले में। तो ऐसी जस्ट हम लोग बैठे थे और बात कर रहे थे, तो इसके पास कुछ स्टोरीज है, हॉन्टेड स्टोरी हॉरर स्टोरी, तो उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो देखते हैं इसके पास कितनी ऐसी हॉन्टेड स्टोरी है और आपको कितना मजा आता है, तो ध्यान से सुनना ठीक है। तो फुगा सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुजल है, पर मेरे को बोलते सब जन फुगा। हाँ, प्यार से इनको सब फुगा बोलते हैं क्योंकि बचपन से रहता है, उसका नाम सुजल है। और तो इनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, जैसे इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखी है, इनके इनको फील भी हुई है, तो आज उसी के बारे में कुछ जानते हैं, बात करते हैं फुगा से। तो बताइए आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ था? एक ऐसी प्लेस है क्या मतलब उसको बोट हाउस बोला जाता है, बोट हाउस ओके बोट हाउस, क्योंकि वो लेक के सामने और प्रॉपर है ना, तो ज्यादा करके उधर मतलब है ऐसा। तो हम लोग दोस्त लोग सब मतलब धोती नहीं जाते हम लोग, मतलब तो उधर तो कैसा रात का हम लोग बाहर से घूम फिर जाके वो प्लेस पे मतलब ऐसा बैठने जा रहे थे रात के टाइम पे, मतलब बोला नींद नहीं आई तो हम लोग जाते थे बोले। तो एक हम लोग ऐसे जाते जाते ना तो एक दो जगह पे ऐसा मतलब पूरा मतलब लाइट वाइट नहीं है कुछ नहीं, मतलब एकदम बोलते ना एकदम थंडर टाइप वैसा है। ओके आपने किसी का आना जाना? आना जाना बिल्कुल नहीं, फिर डे में आते नाइट में कुछ नहीं है। तो एक ऐसा सीन था, तो ये जो बात हुई है कभी रात में हुई है आपके साथ में? दिन में 2:30-3 बजे की रात की बात, रात की। क्योंकि वो प्लेस ऐसी थी क्या मतलब डे में तो आसपास कोई भी जा सकता है, पर नाइट में कोई मतलब मुश्किल से सिर्फ लड़की सब लोग लड़के लोग किस तरह कोई जाता नहीं जाता, और गया तो मतलब कोई सिर्फ वॉचमैन अंदर सिक्योरिटी। तो हम लोग ऐसे ही घूमते 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 पर दोस्त लोग का बोला चलो बोट हाउस घूम करते, क्योंकि वैसा भी आधी रात हो गई पूरा नींद तो नहीं गई। दोस्त लोग रहेंगे साथ में तो ऐसे कांड करने की आदत बहुत ज्यादा है, हो जाता है। जाते जाते पहला तो एक मतलब एक रास्ता था, तो उसमें एक रियल ऐसा था क्या उसमें ना एक लेडीज की ना मतलब परीक्षा जा रही थी, पर हम लोग तीनों के सिवा कोई नहीं था उधर। मतलब तुम लोग जा रहे तो परीक्षा वहीं पे थी या तुम्हारे साथ में चलते? सर नहीं वही रुकी थी वहाँ पे, फिर आगे जैसे मतलब हम लोग थोड़ा आगे गए तो पीछे कोई नहीं था, इतने आगे भी कोई नहीं दिख रहा था, हम लोग हमारे फोन के टॉर्च पे से जा रहे थे। अच्छा मतलब एकदम अंधेरा। और राइट साइड में सिर्फ लेक था पूरा, और उसमें तो कुछ दिखेगा भी नहीं था। हम लोग चलते जा रहे, और ऐसा एक ना एंट्रेंस पे ना मतलब पहला एक कट्टा ऐसा था, फिर एक बंद रूम है, और उसके आगे थोड़ी सी जगह और पीछे ना बैठने जैसा मतलब नहीं। तो लिटरली हम लोग जैसा घुसे ना तो वैसा एक लेडीज बैठी थी, तो हम लोग उनको देखे पहला पीछे से, पर वैसा उनने मतलब प्रॉपर लेडीज ही थी या कुछ नहीं? लेडीज ही थी पर कुछ तो कर रही थी। और उधर मतलब हम लोग तो पीछे सिर्फ वो रूम के पीछे से देख रहे थे उसको कर रहे क्या, क्योंकि उधर कैसा भी स्टाफ लोग रहते सब रहते, तो उन लोग कर रहे क्या थे वो तो अपने को नहीं मालूम था। जस्ट हम लोग पूछे वैसा पूछे ना तो पूरे उसके मतलब बोलते ना लेडीज लोग के पूरे बाल पूरे फूल मिल के बैठी थी, और कुछ तो पढ़ रही थी क्या करे तो अभी हमको ही मालूम था। हमको तो वैसा पूछे ना फिर आगे जाके मालूम पड़ता वो रिंगल था ट्राइंगल टाइप में, उसमें वो बनाया था, और उसके अंदर है ना एकदम एक्सप्लेन करके बता सकते डिटेल्स में कि वो क्या शेप था और कैसा था? मतलब एक सर्कल बोलते
सर्कल होने के बाद उसके अंदर उन्हें ट्रायंगल करते रहते सब। ओके, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल। हाँ ओके, तो उसके अंदर भी उसने एक एक जगह पे वो ट्रायंगल के अंदर एक भावली, एक लिंबू, मतलब बोलते ना एक तो ब्लैक वाला था, मतलब जैसा ब्लैक मैजिक या कुछ तंत्र मंत्र करके वैसा। हाँ, तो वो सब गया था बीच में नार्मल था, और उसके और उसकी बुक भी थी, पर क्या हुआ वो जैसे हमको देखी तो उसने जैसा पलटा ना हमको, और जैसे हम लोग को देखा ना तो वो भाग गई वहां से, और लिटरली हम लोग जैसा वो हमको देख के भागे ना तो आगे से मतलब दो जगह थी, एक पीछे साइड से, पर वो एकदम मतलब बोलते ना जंगल से पकड़ के वहां से जाने के लिए, वो एक था। फिर उसको हम लोग जैसा गए ना तो जैसा देखे हम लोग, तो हम लोग ने भी फोटो वोटो निकाले, बोले क्या है, दूसरे दिन मालूम तो पड़ना था। फोटो तो है, फोटो तो भी मैं फोन नहीं लाया, पर रहेगा तो देगा। हाँ, अगर फोटो मिलता है तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप उसको भी देखना क्या चीज है। मेरे दोस्त लोग ने निकाल लिए थे, क्योंकि हम लोग ने निकाले वो, पर इतना था क्या उसमें ना एक ऐसी चीज थी कि वो भावली में पिन पिन मारे थे, और इतनी ना वो बाद में ना हम लोग जैसा पीछे को मिला तो नारल ऐसा गोल गोल घूम के घूम के फूट गया, लिटरली घूम रहा था। और ये दो सबूत देने वाले मेरे दोस्त लोग भी, उन लोग को भी लाऊंगा ना तो उन लोग भी वही बोलेगा जो मैं सेम बता, एकदम मतलब दो ऐसा दो राउंड मारा और नीचे से बोले ना क्रैक पीछे आता वैसा क्रैक हुआ, और वो मतलब बोलते ना क्रैक हुआ और बाकी कुछ नहीं, और जैसे हम लोग जाने लगे ना तो वैसे पायल क्या वजन, तो हमको लगा कि वही लेडीज रहेगी आती रहेगी रिटर्न, तो रिटर्न हम लोग रिटर्न पीछे गए ना तो कोई नहीं था, और पूरा हम लोग जो रस्ते से हम लोग आए वो रस्ते से नहीं गए, फिर हम लोग जंगल से रिटर्न घूम के फिर तुम लोग कुछ डर और नहीं लगा कि अगर हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग मतलब मेरे को तो कैसा, मेरे को तो अभी मेरी राशि में वही लिखा है मेरे को दिखता है। ओके, तो मेरे को इतना ये नहीं लगता क्या दिखता है, तो मेरे को खत्म हो जाए। मेरे दो दोस्त लोग थे वो उसमें से एक था, मतलब तो उसने कैसा ड्रिंक विंक भी लिया था ना तो उसको इतना क्या ये नहीं हो रहा था। अच्छा, तो वो तो और बुरा था कि दिखे उसको पूरी उतर ही रही उसकी नहीं, वो तो और जोश में बुरा क्या, और उसको तो वो लेडीज का चेहरा देखता है कुछ और था, मतलब ऐसा हुआ था क्या, मतलब दिखा कोई फिर आगे और एक बार दिखा, मतलब वो ये प्लेस पे मतलब एक एक मतलब जो उन लोग का मतलब अपन बोलते ना अपना वैसा एक रूट रहता है, हाँ। तो उन लोग का भी एक रूट रहता है। हाँ, वो तो है बराबर, तो वो रूट खत्म होने तक का वो दिखते हैं। ओके, तो ये पूरी डिटेल्स में आपको बता सकते हैं। एक बार में मतलब हम लोग आरे से आ रहे थे फंक्शन में, गए थे एक के लिए, मतलब मेरा दोस्त है ना उसके हल्दी में गए। अच्छा, तो उधर फंक्शन होते होते मतलब लेट हो गया। कितना तो भी कितना बज रहा था, डेढ़ बज रहा था रात के 1:30 बजे, और तुम लोग थे आरे कॉलोनी में, और मैं और गाइज आपको पता होगा आरे कॉलोनी कितना ज्यादा हॉन्टेड है, तो आज सुन लेते हैं। और मैं और मेरे दोस्त और मैं हम लोग वो साइड ऐसा है क्या लाइट नहीं, और एक तो पूरा प्लेस ऐसा, पर मेरे साथ उसमें एक और एक सीन हो गया था क्या, मेरे को रास्ते में शेर भी दिख गया था वो टाइम पे आरे में। शेर या लगता था लेपर्ड, उसमें कैसा उसको देख के फिर मेरे को थोड़ा आगे जाने का वही प्लेस ऐसा लगा कि कोई तो मेरे को बुला रहा है पीछे से, एकदम डिटेल्स हो रहा था। एक जैसा मैं निकला ना हल्दी से निकल निकल गया, बात करते करते थोड़ा आ गया, ऐसा मतलब बोलते ना एकदम चकवा लगता है, वैसा मेरे को लग गया, क्योंकि मेरे को रास्ता ना मतलब आरे के रास्ते में तुम्हारे में कैसा खड्डे खुड्डे, और उसमें एक तो राइट लेफ्ट भी आता है, फिर उसको समझ में नहीं आता, तो क्या हो गया एक ही प्लेस पे मैं चार बार घूमा, और वो चार बार मेरे को ना एक ही लेडीज, और जो चार राउंड तुम इधर भी घूमे मतलब चकवा लग गया, तो कब कितना टाइम तक था तुम्हारे, वो मेरे को 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का, मेरे को एक घंटा वही जगह पे। तुम अकेले थे? नहीं, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड। अच्छा, हम लोग दोनों एक ही कंसीडर है कि हम लोग ये रास्ते से जा रहे तो भी हम लोग यहाँ जा रहे, वो रास्ते से जा रहे तो भी यहाँ, तो हम लोग जाएगा मैं तुमको वही रात में एक ऐसा होगा कि कंफ्यूज होते रह गया, और हम लोग उसमें घूमते 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 घूम गए, तो हम लोग थोड़ी एक जगह पे रुके तो थोड़ा ना सर्वर जाम होने लग गया, फिर थोड़ा आगे निकले लोग 10 मिनट रुके होते क्योंकि लोकेशन और कोई नहीं था, और जो वो जो एरिया था ना उसका आजू बाजू कुछ नहीं, सिर्फ जंगल दिख रहा था। अच्छा, और कुछ नहीं, तो फिर हम लोग फिर मेहनत कर कैसा तो भी कोशिश करके वहाँ से बोला निकलते हैं, अभी क्योंकि टाइम है एक तो बढ़ते गया, और हम लोग उधर ही रुकते गए, और अभी वो ऐसी एक प्लेस है क्या उधर
रुकना बोले प्लेस था, मतलब वैसी प्लेस थी क्या उधर रुकने से, मतलब हॉरर भी है और ऊपर से लैपर्ड का भी बचा था, क्योंकि दोनों भी डर एक ही साथ दिख रहा था, एक बार हॉरर से तो बच जाएगा, लैपर्ड आया तो मुश्किल है। तो फिर हम लोग बैठे गाड़ी पे 20-30 स्पीड में चल रहे थे, स्लो, क्योंकि रास्ता भी नहीं, पहली बार देखी तो मेरा। ये कितने साल पुरानी बात रहेगी? रहेगा मतलब लॉकडाउन 5-6 साल में था, मतलब 18-19 में पकड़ी, 19 में पकड़ी लो। अच्छा 2019 की बात रही है, लगभग 4 साल पुरानी। हाँ क्योंकि वो टाइम पे ऐसा फंक्शन मतलब और मतलब ये होगा, तो हम लोग जैसा मतलब थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे ना, तो एक लेडीज दिखती जा रही, मतलब कैसा और उसका हुलिया कैसा था? हुलिया नहीं दिख रहा है, सिर्फ शैडो दिख रहा है। अच्छा और मतलब व्हाइट थी या ब्लैक टाइप में? नहीं पहला तो शैडो दिखी, फिर जैसा थोड़ा आगे गए ना तो फिर वो पूरा व्हाइट साड़ी पे थी। ओके पूरा आगे से पूरा बाघ, और हम लोग जैसा मिरर में देख रहे ना पीछे से, तो वो पूरा मिरर में उसका ही सिर्फ फेस आ रहा है, बाकी कुछ मतलब बोलते ना आजू बाजू का भी दिखना मांगता है मिरर में, वो नहीं सिर्फ उसका ही फेस दिख रहा, सिर्फ फेस दिख रहा एक आई राइट में। तो मेरा दोस्त और मैं डर गया लिटरली, मतलब बोलते ना बोले यहाँ से भी ऐसा हो, थोड़ा थोड़ा आगे जाते ना तो एकदम ना ऐसा चढ़ा, मतलब चढ़ान बिड़ा नहीं, फिर ऐसा लगा डोंगर पे चढ़ गया, ऐसी गाड़ी हो गई, मतलब पूरे मतलब बोलते ना चारों बाजू से जंगल ही दिख रहा, बाकी कुछ भी नहीं। पर ये प्लेस हम लोग ने जिनके टाइम पे भी कभी नहीं देखी, तो प्लेस पे मैं चले गया। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग को लिटरली फिर वो ना हमारे पीछे से लग रहा है क्या आ रहा है, कोई आ रहा है, आवाज दे रहा है, बुला रहा है, ऐसा दोनों को भी महसूस मतलब क्या क्या आवाज अंदर से महसूस हो रहा है, नहीं क्या आवाज पसर कैसे, रुक जाओ बेटा बेटा रुक जाओ, ऐसा बुला रहे हैं रुको थोड़ा मेरे को बात करना, ऐसा मतलब अंदर से आवाज नहीं आ रहा पर महसूस ऐसा हो रहा है क्या रुक कोई भाग रहा है, हाँ कोई अभी रुकाएगा, कोई गाड़ी के सामने खड़ा हो जाएगा कोई, अच्छा ना ऐसा। तो तुम लोग गाड़ी भरा है क्या स्लो स्लो आ रहे? ऊपर नीचे रास्ता भरा बस बिना पर हम लोग पीस का वहाँ से निकले थोड़ा बाहर, तो पहले एक प्लेस आया रास्ता, तो आजू बाजू हम लोग को रिक्शा मतलब बोलते ना एरिया टाइम दिख रहा है, तो बाहर आए, बाहर आने के बाद तो थोड़ा आगे जाने के लिए एक टैक्सी मतलब बोलते ना ओला वाला मिलता, तो उसको रास्ता पूछ के हम लोग कहाँ चले गए थे एकदम बोलते ना आरे के एकदम अपोजिट साइड जो जंगल साइड है वो वहाँ पहुँच गए, मतलब एकदम जंगल के अंदर साइड, हाँ इतना अंदर पहुँच गए थे फॉरेस्ट वाले के अंदर, हाँ वहाँ से रिटर्न हम लोग कैसा है मतलब एकदम बोलते ना एकदम कांपते हुए, फिर तो भी ना अपना जो सर्कल है ना आरे का एंडिंग में वहां तक का हम लोग को इतना डर लग रहा है, क्योंकि तभी तक का हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, पर वो टाइम पर टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था 4 बज गया था, तो इतना फिर इतना डरने लगने लगा, क्योंकि 4 के बाद ऐसा बोला जाता है कि आत्मा दिखती नहीं है, हाँ पर उन लोग ऐसा कुछ टाइम वाइम दिखना है तो कुछ भी कर सकते, जिसको दिखना है वो बराबर दिखता है, जिसको रुकना है उसको बराबर, क्योंकि बोला जाता है कि 4 से 5 बजे के मतलब 3:30-4 सुबह के 5 बजे तक उनका ही टाइम होता है। हाँ, एक बात तो वो एक ये क्या उन लोग का ही टाइम रहता है, पर इतना तो डर हट जाता है क्या, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा स्लो हो जाएगी, इतना तो हो गया। तो हम लोग जैसा घर पे है ना, दूसरे दिन इतना बीमार गिरे कि हम लोग को पूरा बिस्तर बदल गया, 3 दिन तक का बिस्तर से उठे नहीं थे, और 3 दिन तक का वही सपने में आ रहा था, वही जगह का हम लोग अभी भी घूम रहे थे। तो तुम लोग वो जैसा बोलते ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कोई हमारे पीछे नहीं लगता, बट तुम लोग बट कुछ समझो माइंड में क्लिक नहीं हुआ, क्लिक नहीं, एक तो उसमें हमको इतना सब दिख रहा है डर गए और उसमें हम इतना घूम रहे और इसमें एक ही जगह और इसमें घूमते घूमते वही जगह पे रुक रहे और इसमें अलग दो, एक तो वो जो ये दिख रहा है वो अलग और जो लैपर दिख रहा है वो, उसमें दोनों में इंसान मतलब बोलते ना एकदम ये हो जाता है सिर्फ कहाँ घर पे जाना, सिर्फ इतना ही सस्ता है कि घर ही घर पे पहुंचे बाहर से, और वो ऐसी प्लेस है क्या वहाँ से एक बार इंसान निकल गया वो बहुत बढ़िया। तो गाइस काफी मजा आ रहा है स्टोरी सुनते हुए, हॉन्टेड स्टोरी काफी लोगों को पसंद भी आती है, तो जिनको भी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको और भी ऐसे पॉडकास्ट चाहिए हॉरर पे, तो हम लाते रहेंगे आपको। और कोई अच्छी कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे हमारे ऑडियंस एकदम उनका बोलते ना गूज बम्स आ जाए, ऐसा कोई स्टोरी